तो दोस्तों बहुत सारा कमेंट आता है कि डुअल मोटर जो स्पे पंप होता है हाई प्रेशर वाला उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आज का वीडियो उसके ऊपर ही दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे डुअल मोटर वाला स्पे पंप। ये वाला जो पंप है दोस्तों ये 8 कंपनी का है एंड इसका जो प्रेशर है आप लोग देख सकते हो 220 PSI का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, जो अगर बार में आप कन्वर्ट करेंगे तो 12.3 बार का होता है। ठीक है, वाटर फ्लो जो होता है वो 7 to 9 LPM का लिखा है, 7 से 9 LPM का होगा। वोल्टेज 12 वोल्ट और एम्पियर लिखा है 4.5 से 6 एम्पियर, मतलब कि अगर आप इसको ऑपरेट करना चाहते हो तो बैटरी से, लीडरशिप बैटरी, लिथियम आयन, LiPo4 कोई भी बैटरी से यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हो तो 12 वोल्ट 10 एम्पियर वाला SMPS आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एंड दोस्तों और एक बात जो बहुत सारे लोग पूछता है कि भाई कोई डीजल पेट्रोल ये सब वगैरह लिक्विड के हम लोग इससे ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, तो एकदम ही नहीं, क्योंकि इस पंप पे साफ साफ लिखा है कि डू नॉट पंप फ्लेमेबल फ्लूइड्स, Do not use pump in an explosive environment। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल अगर आपको पंप करना है तो इस पंप से नहीं होगा, कोई अलग पंप आपको उसके लिए लेना पड़ेगा। फिलहाल देखिए इस पंप में दो मोटर आता है, एक सिंगल और एक मतलब सिंगल डुअल दो पंप आता है। ठीक है, ये वाला होता है इसका इनलेट होता है और ये वाला आउटलेट होता है। इसका जो आपका ऑटो कट ऑफ सिस्टम दिया रहता है इसके ऊपर दिया रहता है ये पोर्शन पे, आप इधर से देख सकते हो दो वायर इसके अंदर गया है, ये ऑटो कट ऑफ वाला पोर्शन इधर पे है। ठीक है, एंड इसका जो खासियत है इस पंप का मैं बोलता हूँ, देखिए तीन ठो वायर निकला है, ये वाला पॉजिटिव का, ये दो नेगेटिव का, मतलब दोनों मोटर का अलग अलग वायर इधर पे निकला हुआ है। आप चाहे तो एक मोटर से भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये दोनों वायर ही लगाना पड़ेगा, आप चाहे तो एट ए टाइम एक मोटर को भी ऑन रख सकते हो अगर आपका फ्लो कम चाहिए तो। ठीक है, इसको ऑन रख सकते हो या फिर रेड एंड ग्रीन को मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा जब मैं एकदम पानी के साथ टेस्ट करूंगा, या फिर दोनों मोटर ही आप ऑन कर सकते हो, आपके हिसाब से आप मोटर को कौन सा मोटर कब ऑन करना है वो आपके हिसाब आपके ऊपर है पूरा। ठीक है, एक बार इनलेट आउटलेट का डायमीटर बोल देते पाइप का, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है आप लोगों के लिए। तो इधर पे देखिए इनलेट का जो है वो आपका 8 mm का पाइप लगेगा इनलेट में, तो एकदम टाइट बैठता है 8 mm का अगर पाइप यूज़ करेंगे तो। एंड आउटलेट में आपका है 17 mm का, ठीक है 17 mm का पाइप बैठेगा। और दोस्तों आउटलेट में इधर पे एक वाल्व दिया हुआ रहता है, इसको आपको मतलब एक लॉक टाइप का दिया रहता है, इसका आपको ओपन कर लेना होगा। ठीक है, तब ये ऑन हो जाता है, मतलब खुल जाता है। ये रहा इसका, अभी चलिए इसको अंदर का एक बार खोल के दिखाते हैं आप लोगों को। इधर पे जो दो स्क्रू है दोस्तों इसका अगर ओपन करेंगे तो आपका जो है पंप बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा दो मोटर इसमें फिट हुआ रहता है। एंड ये वाला आपका मुझे जितना पता है कि 775 मोटर ही होता है इसमें। दो मोटर से देखा अलग अलग दो आपका वायर निकला हुआ है एंड ये वाला रेट का ये कटअप से जाके इसका अंदर में जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखिए ये वाला पंप को मैंने कनेक्ट किया है इस 8 mm पाइप के साथ, इधर पे पानी है पूरा और ये रहा लेड एसिड बैटरी, इस पे मैं कनेक्ट करूंगा पंप को। ठीक है, पंप से हम लोगों का तीनों वायर निकलता है, रेड वाला पॉजिटिव का, एक ग्रीन का, एक वाला एक पंप के एक मोटर के लिए और एक वाला और एक मोटर के लिए। ठीक है, आप एट ए टाइम एक वायर कनेक्ट करेंगे तो एक ही मोटर ऑपरेट होगा मगर पंप चलेगा, दोनों एक साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो फुल पावर मिलेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। पहले देखिए ये वाला जो रेड वायर है इसको मैं बैटरी का जो पॉजिटिव है इधर पे मैं रखता हूँ, बैटरी का जो पॉजिटिव है उधर पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, एंड अभी दोनों ग्रीन में से एक को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, देखिए पंप मेरा ऑन हुआ एंड पानी आ रहा है। ठीक है, ये एक कनेक्ट किया ये वाला, अभी इस वाला को कनेक्ट करता हूँ, दोनों से ही आपका चलेगा। अभी दोनों को एक साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखिए इधर से मैं इनलेट दे रहा हूँ, इधर पे ऐसा करके सेट किया कि पानी भी इस पर ही गिरे। ठीक है, तो ज़्यादा वेस्टेज ना हो पानी का। और अभी मेजर करूँगा करंट। ठीक है, तो पहले सिंगल मोटर से अगर इस पंप को चलाऊँगा तो करंट कितना लेता है पहले देखते, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर लेगा अगर आप सिंगल मोटर को चलाते हो तो अभी डुअल मोटर से देखते हैं। अभी दोस्तों इधर पे जो एम्पेयर है 1 एम्पेयर एंड 2.1 टर्न्स, वो दोस्तों इस पर ज़्यादा लोड अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, आप देखिए बस नॉर्मली पानी इधर आ रहा है और इधर जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस पर नोजल लगाएंगे एज ए स्प्रे गन यूज़ करेंगे स्पेयर पंप में, मतलब बाइक कार वॉशिंग में स्प्रे गन की तरह यूज़ करेंगे जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज होगा नोजल से, तो इसका करंट कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं अभी इस पर थोड़ा सा हाथ से पुश करके देखता हूँ कि कितना ज़्यादा हो सकता है अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास इसका जो स्पेयर है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसके साथ वो स्पे गन वगैरह यूज़ कर सकते हो उस सब के बारे में।
तो अगर आप खींच करके देखते हैं हाथ से जब पीस के आप लोग देख सकते हो कि 3.5 एम्पीयर तक करंट इधर पे आ गया है। अभी जब नोजल पीस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपका करंट होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं करीब 21 सेकंड, मुझे थोड़ा पॉज करने में थोड़ा सा लेट हुआ, 21 सेकंड में एक 21 सेकंड में आपका ये 2 लीटर का बॉटल पूरा फुल हो गया। ठीक है, अभी देखिए एक मोटर का वायर लगा है और इसको मैं कनेक्ट करूंगा, स्टार्ट कर देता हूँ। एक सेकंड से स्टार्ट किया। ठीक है, जितना लगता है कि डबल टाइम लगना चाहिए। तो आपका जो टाइम लगा अप्रॉक्स 32 सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड उधर पे था तो 32 सेकेंड आपका टाइम लगा 2 लीटर फुल होने में। स्पेयर गन में यूज़ करके बाइक या कार वॉशिंग करके पूरा एग्जैक्ट पता चलेगा, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पूरा सेटअप के ऊपर कि क्या क्या आपको चाहिए, नोजल कौन सा चाहिए, कैसा पूरा सिस्टम होता है उसका, उसके साथ वो हाई प्रेशर में पानी निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मल अभी जो हम लोगों ने निकाला वो नॉर्मल वाटर था, मतलब जस्ट फ्लो करने के लिए, ठीक है, प्रेशराइज नहीं किया था। तो प्रेशराइज करने के लिए हम लोग को नोजल या फिर वो सब सिस्टम चाहिए। तो और वीडियो कैसा लगा जैसे बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसको अगर सोलर से चलाना चाहते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल से अगर चलाना है तो आप लोगों को करीब पकड़ के चलिए 200 वाट्स का पैनल तो लग जाएगा। मेरे ख्याल से बेटर होगा कि आप बाई बैटरी से चलाइए, ठीक है, या फिर SMPS से तो चलाइए, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, बहुत जल्द मिलो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा जैसे कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।